जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के सवाल और उसके जवाब देने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि सर, यूपी जेल वार्डन की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है फाइनली, यानी फाइनल तक कट ऑफ कितनी रहेगी? दोस्तों, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं तरह तरह की वीडियो देख देख कर, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है ना, उसमें ना के बराबर इजाफा होगा। जैसे कि यहाँ पर 187 पर लगी थी जनरल, ये 87 से मात्र 88 होगी। ये इतनी ही कट ऑफ बढ़ सकती है, बस 188, 188 तक ही, यानी 0.75 में ही आपका काम चल जाएगा। तो मैं बेकार परेशान ना हो, कट ऑफ 1 और 1.5 नंबर से ऊपर कतई भी नहीं जाएगी, हद हो जाएगी 1 नंबर पर ही। और जब ज्यादा ही हद हो जाएगी तो 1.5 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है कि ज्यादा बच्चे फिजिकल में ना पास हुए हो तो ये, और डॉक्टरी में ज्यादा फेल हो जाए तो ये और भी डाउन हो सकती है, ठीक है, संभावना दोनों ही बनी हुई है। तो लगभग हम ये लगा कर चल रहे हैं कि 188 के समथिंग में आपकी जर्नल की, ठीक है, और 180 और 181 के समथिंग में आपकी ओबीसी की, 157 के समथिंग में अनुसूचित जाति की, और 131 के समथिंग में अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ रहेगी मेल कैंडिडेट की। आप लिख लेना ये बात, क्योंकि एक एक नंबर ही मेरिट पड़ेगी मात्र, इसमें थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो सकता है जनरल वाली में, ये मेल कैंडिडेट का आंकड़ा है। तो लगभग लगभग 1 नंबर सभी आप अपनी प्लस कर लीजिएगा कट ऑफ को, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं पड़ेगी ना, इससे ज्यादा पिछली भर्ती में कट ऑफ बढ़ी है, पॉइंटों में बढ़ी, पॉइंटों में। तो होगा आपकी बार भी ऐसा कि पॉइंटों में ही कट ऑफ बढ़ेगी, ये 1 नंबर भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। महिलाओं की कट ऑफ जो गई थी 166 पड़ गई थी, लगभग इसमें आप कुछ पॉइंट प्लस कर लीजिए, 167 पर आपकी बारी में रुक जानी चाहिए, 156, 157 पर ये महिला जो है ओबीसी की वो रुक जाएगी, इनकी कट ऑफ फाइनल रह जाएगी। 134 नंबर पर अनुसूचित जनजाति, सॉरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 101 और 102 नंबर के बीच में लग जाएगी। तो जिसके जितने नंबर है ना, उसमें जो यहाँ कट ऑफ दी गई है उसको हिसाब लगा कर देख लीजिएगा, इसमें 1 नंबर प्लस करके देख लीजिएगा। अगर 1 से 1.5 नंबर आपका ऊपर है तो ये सोच लीजिए आप महासेफ है, महासेफ, कोई नहीं निकल रहा आपको। यदि आपके ये जो कट ऑफ यहाँ पर दी गई है इससे 1.5 नंबर ऊपर है तो नौकरी पक्की है, नौकरी में कोई नहीं निकालेगा आपको, ठीक है। तो 1.5 नंबर ऊपर आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं, बस आपका नंबर इतने में आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।